यस बैंक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने यस बैंक से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा निकासी नहीं की जा सकती पैसों की। और इस वक्त हम सेक्टर 18 नोएडा के यस बैंक पर मौजूद हैं, और यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जिनका यस बैंक में अकाउंट है और जिनका उस बैंक अकाउंट में पैसा है, उनके लिए एक गंभीर बात है। इसी वजह से लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त एक सर हैं। सर, क्या हुआ है? बैड एक्सपीरियंस विद द बैंक। क्या आप पैसा निकालने आए थे? यस, दे आर परमिटिंग अस। नहीं, परमिट कर रहे हैं। आई डिड एक्चुअली नेटवर्किंग एट अराउंड 6:18 यस्टरडे नाइट। अच्छा, दे से पोस्ट 6 यू कांट विथड्रॉ, यू डन वंस, ओनली वंस इज अलाउड। कितना पैसा अभी निकालने की इजाजत है? 50,000 तक कहा जा रहा है। 50 इज द लिमिट, बट दैट्स एक्चुअली ओनली फॉर अ मंथ। अच्छा, सॉरी, मंथ वी कैन विथड्रॉ बियॉन्ड दैट, एंड इवन आई कांट विथड्रॉ बिकॉज़ आई केम विद अ चेक. They refused. They said you did net banking yesterday only, 6:18. So you can't withdraw. तो कितनी बड़ी चिंता की बात है? चिंता है, but not to panic. Reason because RBI is there. They'll definitely safeguard all the interests, all people. We trust them. And Modi government is there. No worry. He'll save. तो जाहिर तौर पर लोग थोड़े परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि जो बैंक है उसने फ़िलहाल जो दरवाज़े हैं वो बंद कर दिए हैं, और टोकन दिए जा रहे हैं, और उस हिसाब से ही लोगों के नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? आपका भी पैसा है अकाउंट में? हाँ जी मैम, मेरा तो काफ़ी चिंता है मैम, क्योंकि घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इस चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है? अभी तो मैम यहाँ पे अभी घुसने ही नहीं दिया, अभी तो टोकन दिया है, टोकन का वेट कर रहा हूँ। ये 89 टोकन नंबर है, 89 टोकन नंबर है, यानी कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है लोगों की, और लोग जाहिर तौर पर परेशानी में है क्योंकि पैसा फंसा हुआ है। आप लोगों को कितनी बड़ी चिंता है? चिंता है मैम, मैंने तो रजिस्ट्री करानी थी एक प्रॉपर्टी की, तो मैंने तो काफ़ी सारा अमाउंट कल ही परसों ट्रांसफ़र करवाया था अकाउंट में कि मैं रजिस्ट्री करवाऊँगा, अब फंस गए हैं फिलहाल तो। लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही है कि आपका पैसा फंसेगा नहीं, सेफ है, तो उससे लग रहा है थोड़ा सा मनोबल बढ़ रहा है? अब मैम देखते हैं क्या होता है, आई रियली डोंट नो। जाहिर तौर पर जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता सबके लिए चिंता की बात है, और अब देखिए अब फिलहाल दरवाजे खुले हैं तो हर कोई ये सोच रहा है कि पहले उसी का नंबर आ जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिसका पैसा अकाउंट में है और उसे जब तक वो मिल नहीं जाता या ये उम्मीद नहीं बन जाती कि उसका पैसा अकाउंट में सेफ है, तब तक उसके लिए जाहिर तौर पर एक खतरे की बात है। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50,000 तो तक ही लिमिट है, और ऐसे में आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और जब यहाँ पे लोग निकालने आ रहे हैं पैसा तो वहाँ पर भी उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में यस बैंक पे संकट के बादल जाहिर तौर पर मंडरा रहे हैं, और लोगों की भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। अच्छा, तो आप वो अपना नाम बताइए। हंसराज। कितनी देर से आप जद्दोजहद कर रहे हैं अंदर जाने की? कितनी देर में नंबर आया और क्या कहा गया? आधे घंटे बाद आया। क्या कहा गया? कहते हैं कि अभी आरबीआई की इंस्ट्रक्शन नहीं है, जब होगी हम कर देंगे। तो क्या करवाना चाह रहे हैं आप? एफडी को इनकैश करवाना था। अच्छा, तो 50,000 से ज़्यादा जो है वो पैसा नहीं आप निकाल सकते, उससे कम तो निकाल सकते हैं? नहीं, एफडी कैंसिल होगी तभी निकालेंगे ना, एफडी कैंसिल नहीं हुई तो कैसे निकालेंगे? तो अब क्या परेशान हो रहे हैं आप? आप परेशान तो हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सही है, सेफ है। सही, अब देख लेते कैसे होता है।